विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भले ही रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के अंतिम ओवर की शानदार बल्लेबाजी की वजह से हार गई, लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली को इससे कोई शिकायत नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। इतना ही नहीं, रविंद्र जडेजा की ऐसे बल्लेबाजी देखकर विराट कोहली खुश हुए, क्योंकि उनकी नजर इस साल के अंत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर भी टिकी है। RCB को रविवार को चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ कहे तो 60 से ज्यादा रनों से हार का सामना करना पड़ा। कोहली ने मैच के बाद कहा, जडेजा की काबिलियत हर कोई देख सकता है, मैं उसे बल्ले और गेंद और मैदान में प्रदर्शन करते हुए देखकर बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा, 2 महीने बाद वह भारतीय टीम के लिए खेलेगा और आपके मुख्य ऑलराउंडर को बल्ले से अच्छा करते हुए देखना हमेशा खुशी देता है। जब वह अच्छा खेलता है और आत्मविश्वास से भरा होता है तो इससे कई मौके मिलते हैं। कोहली ने अपने तेज गेंदबाज हर्षल पटेल का भी समर्थन किया, जिन्होंने अंतिम ओवर में रिकॉर्ड 37 रन गंवा दिए, जिससे चेन्नई सुपर किंग की टीम बड़ा स्कोर खड़ा करके। आपको बता दें कि CSK की टीम अंतिम ओवर में इससे पहले 4 विकेट गंवा कर 154 रन के स्कोर पर थी, लेकिन जडेजा ने हर्षल के अंतिम ओवर में लगातार 4 से कुल 5 छक्के लगाकर 37 रन जोड़े। कोहली ने कहा, हर्षल ने अच्छी गेंदबाजी की और हम उसका समर्थन करते रहेंगे, हम उसे जिम्मेदारी देंगे, उसने जमे हुए दोनों बल्लेबाजों को आउट किया। तो ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।